लोगों को मजाक कराओ, जीना मत सिखाओ। अरे मुश्ताक भाई, ये चर्बी तो हटाओ, उनसे एक किलो गोश्त लो, एक पाव तो चर्बी भर देते हो। अबे यार, ये चर्बी नहीं है, मक्खन है, मक्खन ही वांस। उसका जायका इतना मजे का होता है कि उंगलियां चाटता रह जाएगा। नहीं भाई, नहीं नहीं चाटनी उंगलियां, हटाओ इसे। अब हाँ, हटा देते हो, कोई सी बात नहीं है। ले भाई पजामे। अबे ये ले भाई, दिल साहब का गोश्त बना दे है? और बात सुन, वो जो साफ साफ बोटियां रखवाई थी ना, वो घर के लिए है, वो भी इसी में डाल देना। अपने घर की बात है, है? समझ गया उस्ताद, बेफिक्र हो जा, ऐसी बोटियां डालूंगा घर की तो लोग तुझे रोक रोक के पूछेंगे कि बोटी पे बोटी चढ़ लिए क्या। अबे बस चल, काम कर, काम कर, चल। अबे दिल साहब एक बात बता, ये अखबार आज तो नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? उस्ताद भाई, वो तो कब के यहाँ से शिफ्ट हो गए, डिफेंस में घर ले लिया है। डिफेंस? हाँ हाँ, डिफेंस में। ये घर बेचा और जो बगी जायदाद से पैसा मिला, सब मिलाकर डिफेंस में घर ले लिया है। ओ यार बस, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि भाई मैं भी जाकर डिफेंस में रहूं। मैं नल्ला पानी निकाल दूंगा जरा, मेरे उस्ताद को क्या ख्वाब दिखा रहा तू, सारा दिन पागल होता रहेगा ख्वाबों के पीछे। अरे आराम से, कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा, अब मैं तुझे दिखाऊंगा, डिफेंस में जाके वहां रहूंगा भी और मजे भी करूंगा। आसिफ गोश दे यार, ये बजा देंगे अब दिमाग की, ये और डिफेंस। अबे देख बे नौसान, ये मेरी दुकान पे आके नकाती मत करियो, समझा? दो मिनट लगेंगे सिरी पाए बनाने में, 2 मिनट। अबे ओ पजामे, चल जल्दी से इसका गोश्त बना। अबे ओ पीएसी निकाल, पीएसी। अबे पैसे दे, नहीं है तो जाके अम्मा को बोलियो, पुराना उधार भी है वो पहले चुका ले। बार बार अम्मा भेज देता है, उधार लेने होता है। अबे आज पजामे, अबे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये दुकान और घर बेच के ना दफन में घर ले लूं, ख्वाहिश है पूरी हो जाएगी भाई। उस्ताद क्या सोच रहे हो? उस्ताद जैसी तेरी आंखें है ना, पूरे मोहल्ले में ऐसे किसी कसाई की ऐसी आंख नहीं है, उतनी उतनी गाय जैसी है। और उस्ताद जैसा तेरा कद है ना, पूरे शहर में किसी कसाई का ऐसा कद नहीं है, सरमायेदारों का ऐसा कद होता है। मैं तो तुझे अपना बाप ही समझता हूँ। अबे ओ पजामे, स्त्रियों की गलती मैं नहीं कर सकता, चल गोश बना सही तरह से, चल। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उस्ताद। अबे बड़ा करना बड़ा, चल। बड़ा प्यार करता तुझसे मैं उस्ताद। बोले ये दिल का एक तारा। ओ नाई दफ्तर की बच्ची, कुछ काम कर ले। हाय अम्मा, क्या करें, काश ऐसा होता, लेकिन बच्चों के अख्तियार में नहीं होता ना अपनी मर्जी से पैदा होना। हैं? कुछ नहीं अम्मा, तुम नहीं समझो के छोड़ो। बात सुन नाई, तू ना अपनी ससुराल जाके अम्मा बाबा की नाक कटवाएगी, जो रही सही तेरे बाबा की रह गई है। भाई क्या जरूरत है मुझे काम सीखने की, जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ नौकर चाकर तो होंगे ना। ओफो, तेरे बाबा की गाड़ियों की दुकान नहीं है, बड़े गोश्त की दुकान है, समझ आई? औकात में रह, जमीन पे रह के चल। इतनी बार मैंने अब्बा को कहा है कि बंद कर दो ये गोश्त की दुकान और खोलू कंप्यूटर की दुकान, लेकिन उन्हें तो गाय बकरों से मोहब्बत ही बहुत। तेरे बाबा को कंप्यूटर तो बोलना ना, कंप्यूटर की दुकान का खाक खोलेगा। वैसे एक बात तो है अम्मा ईमानदारी की, ऐसे मुझे लगता है कि तुम मेरे हुस्न से बहुत जलती हो। हैं? ओफो, एक तू हसीन और एक वो तेरी शद्दो बड़ी बहन। कमबख्ती मारी से कितनी दफा कहा था कि अगर किसी को पसंद भी करना तो किसी इंसान के बच्चे को तो पसंद करना, उससे शादी करना, ये किया सिराज से ये। अब क्या हो सकता है माँ, अब तो हो गई शादी, ऐसे ऐसा तो ना बोलो, दामाद है तुम्हारे। नालत पड़े ऐसे दामाद पे, गारत हो मेरे कहने से वो। अरे कमबख्ती मारा, जहाँ बैठता ससुराल की बुराइयां करता, जहाँ बैठता ससुराल की बुराइयां करता है, मैं तो गारत कर दूं ऐसे दामाद को। बहुत समझाया था मैंने आपा को कि जल्दी ना करो, ठोक बजा के देख लो, लेकिन उन्हें तो बहुत ही जल्दी थी शादी की। हाँ तो
कौन से गुलछड़े उड़ा रही है, देखो भुगत रही है। और उस कमबख्त मारे को देखो सिराज को, एक महीने काम करे और एक महीने बैठ के सोए। अरे वो सब्बन भाई ना इतने अच्छे कारखाने बनियान के कारखाने में लगाया था, नहीं वहाँ भी नहीं टिका। करना क्या था, सिर्फ बनियान पहन पहन के घाघों को दिखाना था, वो भी नहीं कर सका कमबख्त। अम्मा मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चलो जाओ अब शाम में आना। बात सुन बात सुन, उठ उठ, तेरे अब्बा के आने का टाइम हो रहा है, उठ के मटर छील। अम्मा क्या तोड़ोगी हाथ, पिलान तो तेरा सर तोड़ने का, सर तोड़ने का, उठ चल मटर छील, उठ तेरे बाबा के आने का टाइम हो गया, उठ। वैसे ना अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम लगती हो चंगेज खान के खानदान की, मेरा नाम भी ना ही डेंजर है, समझ आई। मेरे हाथ मोड़ के चल गई कमबख्ती मारी, फिर तुझे बताऊंगी। ये देखो सूरज सर पे आ गया, इनकी नींद नहीं खत्म हो रही है। सिराज सिराज उठो, दोपहर का वक्त हो गया, उठो मैं कहती हूँ, सुनते हो? अबे नहीं सुनता, राजो करना कर ले। टेम देखो क्या हो रहा है, दोपहर हो गई है बार, उठ जाओ, नास पीटी तुम्हारी, नींद पूरी नहीं हो रही है, उठो बहुत हो गया, उठ जाओ। मैं मुझे क्या तकलीफ है, अब के सोने के लिए भी तुझसे इजाजत लेनी होगी मुझे। अपने अब्बा की बात मैंने सुन ली होती ना तो कितना अच्छा होता, आज मेरी शादी सुल्तान भाई से हो गई होती। आ वाह वाह वाह, एक तरफ तो उसे भाई बोल रही है, दूसरी तरफ से उसे शादी की बात भी चल रही है। सही चल रही हो भाई, सही जा रही हो। हाँ तो क्या करूँ, उम्र में बड़े है ना मुझसे, नाम तो ले नहीं सकती, सुल्तान भाई कहूंगी ना। अरे माँ सत के जाऊँ इन पे है, अपने मियाँ को सिराज और सुल्तान को भाई सुल्तान। हाँ तो क्या तुम्हें भी भाई सिराज कहूँ? अबे चुप कर जा जाहिल औरत, क्यों निकाह खराब करने पे तुली हुई है, किस खानदान में शादी कर ली मैंने है? इससे तो अच्छा था अंडे वाले की लड़की से शादी कर लेता, गोश्त के लालच में अंडे भी हाथ से गए। तुमने मुझे गोश्त के लालच में शादी की है? अबे तुझे क्या लगता है तेरे चक्कर में शादी की है? अबे एक नंबर का कंजूस आदमी तेरा बाप, मजा ले कभी गोश्त भेजाओ हमारी तरफ। खबरदार, बस मेरे बाप को कुछ नहीं कहना, बता रही हूँ मैं। क्यों ना बोलूं, तेरा बाप दूध का दिलवा है, हाँ मुझसे आग निकलता है वो। अबे धमादू आफ्टर ऑल इस घर का मैं, अबे कम से कम 2 किलो गोश्त बेचना चाहिए उसे रोजाना, एक बोटी नहीं बेचता वो। 2 किलो गोश्त रोजाना, आए है क्या करेगा तू 2 किलो गोश्त का? अबे कुछ भी करूं हंटर भी बनाऊंगा। अबे उधर सुसर की दोस्त की दुकान है, इधर 2 महीने खाए गोश्त खाए हुए, लानत है ऐसे सुसर पर, वो भी दोनों हाथों से। तू नहीं सुधरेगा, तेरा बाप सुधर रहा है जो मैं सुधर जाऊं। एक मिनट, क्या मुसीबत है? तू क्यों आया इस वक्त? आना लेने आया, उस्ताद ने भेजा, बात बोर्ड रश है, उस्ताद खुद नहीं आ सकता आज। अच्छा तो उसमें इस तरह दांत निकालने की क्या बात है? तुझे देख के खुद ही निकल आते हैं, मैं क्या करूं? देख पजामे, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना तुझे निचोड़ के ना इसी रस्सी में सुखा दूंगी। देख नहीं, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, मेरी मोहब्बत कबूल कर ले, नहीं शादी कर ले मुझसे। वो एक बार तू नहीं मर जाता मनहूस, हाँ शक्ल देखी तूने, तो जैसे गोश्त वाले से शादी करूंगी मैं। हाँ अच्छा, अब हम गोश्त वाले हो गए, अब्बा तेरा बड़ा साइजदार लगा यहाँ पे। देख पजामे, तू बहुत पिटेगा मुझसे, पिटना चाह रहा है, चला जा यहाँ से, चलो जा। देख मोहब्बत अपनी जगह, खाना अपनी जगह, सूरमा तो मैं लेकर ही जाऊंगा, खाना लेके आओ। एक दिन तुझे आसिफ पजामे ने अपनी पजामी नाना बनाया तो मेरा नाम बदल देना, आसिफ पजामा, आसिफ पजामा नाम है। ये जरा धनिया वनिया डाल के ना, हरी मिर्च डाल के भून के खाना, मजा आ जाएगा, याद करेगा तू भी। अबे ये मुसीबत यहाँ क्यों टहल रही है आज? अबे अभी इधर आई हो? आना देखो मस्तू का। हाँ भाई अब्बा बोलो, क्या भाई क्या बात है भाई? अबे आज किस चक्कर में यहाँ टेल रही है, कुछ लेके भागेगा क्या? किसी के बाप की सड़क है क्या, अल्लाह की सड़क है, 10 बार टहलूंगा मैं तो इधर। बकवास बंद कर,
बे गोश्त चाहिए क्या? अगर इतना पीछा पड़ ले तो दे दो, वरना मैं तो हराम समझता हूँ ससुराल की चीजों को। पापा ठीक है भाई, जब तू हराम समझता है तो फिर देने का क्या फायदा। लेकिन आपकी बेटी शायद है तो इस बात को नहीं ना समझती, हर रोज मुंह उठा के बोल देती है जब बाकी दुकान से 2 किलो बगैर हड्डी के गोश्त ले आई हो। अब मुझे पता था कोई ना कोई तरीका निकल आएगा गोश्त लेने का। मैं तो थूकता नहीं तुम्हारे भाई अब्बा दुकान पर, इसलिए मेरे पे तंज तो करना मती। एक तो तुम्हारे खानदान में दामादों की इज्जत नहीं है, ऊपर से तंज भी कर रहे हो तुम। हाँ भाई भाई, तू जिस तरह की आओ हम सारे लाइन में हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, कभी दामाद नहीं आया है। जब पिकनिक पे गए थे तो किसी ने खिड़की वाली सीट दी मुझे, खुद जाके खिड़की वाली सीट पे बैठ के पीछे जाके, ये होती है दामादों की इज्जत। और वो छप्पन चाचा कह रहे हैं सीट के बीच में डाल दो। अबे मैं दामाद हूँ तुम्हारा या बिल्ली का बच्चा हूँ? अबे देख वो इस वक्त तो बस वो जगह थोड़ी थी इसलिए बिठा दिया तेरे को। अच्छा, और वो निहाल तुम्हारा साला उसकी बीवी, वो क्या बोल रही थी? इसको बस में भेज दो और हम लोग गाड़ी में जाएंगे। अरे कौन सी पिकनिक है भाई, मुझे बताओ ये कौन सी पिकनिक है जिसमें दामाद बसों में आते हैं और खानदान वाले गाड़ियों में आते हैं? अरे कितनी बार समझाए है कि मेरी इज्जत करो, मैं सचमुच का दामाद हूँ, कोई चाइना का दामाद थोड़ी हूँ क्या? अरे चल गुस्सा ठंडा कर ले, ये ले एक होश पकड़ और चल जा। अरे ये क्या है, डालो तो सही इसमें, और याद रखियो बीच में बिठा दो ना मुझको, समझ ले फिर अकलमंद के लिए इशारे काफी होता है, समझ ले। अबे अच्छा सा काट के दिया ना ये रे, बस चल। हाँ ये ठीक है चल। अरे शाहजा अल्लाह पूछेगा तुझे क्या दामाद पसंद करके लाई है। अबे आकर अनिनाल को मार ना, क्यों देख रहा? ओहो बच्चे सोए पड़े आसाम। अरे रीशा वाह वाह वाह, मजा आ गया, मुझे क्या अच्छा खाना पकाया भाई। मजा कैसे ना आए, हम दिल्ली वाले हैं, हमारे तो पैदाइशी हाथ में जायका है। थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, बस लगी फेर दे। तो चुप करो अब्बा, नाहिद के रिश्ते के लिए सोचो, ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची की उम्र ही निकल जाए। अब क्या सोचूं, हमारे बच्चे हमारी सोच पे चलते हैं, शायद वो देख ले। वो अजगर ही है ना, उसने एक रिश्ता बताया, मुझे तो ठीक लगा। कैसा रिश्ता? वो है ना, क्या नाम उसका, हबीब, उसका साला इरशाद। अभी तेरा दिमाग तो ठीक है। क्यों? इसका बेटा जो है रात को चलने में इसकी आदत है, 2 दफा वो गंदे नाले में भी गिर गया था। भाई क्या कब की बात निकाल रही, इब थोड़ी गिरे, अब तो बदबू भी नहीं आती उससे। अबे पहले एक मुसीबत सिराज की सूरत में हम देख रहे हैं, दूसरी मुसीबत गले में क्यों डालें? अच्छा तो फिर वो सुरैया का बेटा है, क्या नाम है उसका, हामिद, वो कैसा रहेगा? अभी एक बात बता, ईद का सीजन चल रही है? नहीं। तो अपने सारे खानदान के जो कंडम रिश्ते हैं वो मुझे बता रही है। अरे तुझे पता नहीं है इसकी एक लात लकड़ी की है। तो हमने कौन सा ओलंपिक में दौड़े लगवानी उससे? अबे रेंदे रेंदे, तेरे खानदान में कोई पूरा आदमी भी है, पर मैं देख लूंगा अपनी बेटी का रिश्ता। तौबा है, तुमसे तो बात करनी फजूल है बिल्कुल। अब मैं कौन सा महाराज आ रही हूँ तुझसे बात करने के लिए, थोड़ी सी तारीफ कर दी आजाद बन गया। बात सुनना एक कब्बा, मैं जा रही हूँ, ये बर्तन जो ना खाना खा के सीधे तरीके से नलके के करने रख देना, धो भी लेना तो ठीक हो जाएगा। धो भी लेना तो ठीक हो जाएगा। उस्ताद 7,500 रुपए का बांड है, तुम्हारे तो मजा निकल आए, उस्ताद ले लो ले लो। अब्बा अब्बा लग गया, नंबर लग गया। एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। अबे अगर दरवाजा टूटा ना तो पैसे तेरा बाप भी। सलाम दिलदार खान भाई, अब वो मैं समझा मेरे ससुराल वाले। यार आज तारीख के पौने नौ हैं, मैं समझा शायद आप टीम का पूछ रहे हो, तारीख तो बारह है। हमारा पैसा निकालो यार। पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है। कमीज का बच्चा, 5,000 के खाते तुम हमारा 5,000 चक्कर लगवा चुका है, आज कान पैसे लेके ही जाएगा।
बस खान साहब थोड़ा सा सब्र कर लो, मुझे मेरे ससुर की जायदाद में से हिस्सा मिलने ही वाला है, जैसे ही वो मरता है तुम्हारी पाई बाई वापस कर दूंगा मैं। ओ कबीस का बच्चा, अभी कान 5,000 के लिए तुम्हारे ससुर के मरने का इंतजार करेगा? तो एक शॉर्टकट लगाओ, काम जल्दी हो जाएगा। मड़ा कैसा शॉर्टकट? तुम ऐसा करो कि मेरे ससुर को मार दो, 5,500 रुपए दूंगा मैं। कोई कमीज का बच्चा, हमसे कत्ल कराना चाहता है, वो भी 500 रुपए में। वो खास साहब ये बार बार गर्दन पकड़ लेते हो भाई, ये गर्दन तो छोड़ो ताकि बात तो कर सके, गर्दन तो छोड़ो। अच्छा बोलो। अरे खान भाई तुम्हारे ही भले की बात कर रहा हूँ मैं, वो 500 रुपए भी ज्यादा मैंने बोल दिए, वरना उस आदमी को कहा तो 50 रुपए से भी ज्यादा नहीं है। अब बाहर में गया तुम और तुम्हारा ससुर, कान को अपना पैसा चाहिए, सीधा सीधा बताओ पैसा कब देगा? जुमे की नमाज के बाद पैसे ले लेना। ठीक है, कौन सा जुमा ये मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, कान जाता है, पर याद रखना कान तुमको छोड़ेगा नहीं, कान आएगा और पैसा लेकर जाएगा। बिल्कुल सही सही बात है भाई, जो लिया वो देना तो पड़ेगा ना। शबिल्ले 7,500 का बॉन्ड, अरे कमाल हो गया भाई। अरे अगर मैं इसको भेज दूं तो 5,000 रुपये खान के ओर लौटा दूंगा मैं, और 2,500 रुपये मेरी जेब में आ गया। अरे वाह खान बाप, अबे तेरे पैसों से ही तेरा कर्जा उतरेगा। अरे सिराज भाई क्या बात है, इतने बड़े खुश लग रहे हो। बात सुन बे बजामे, मेरी हटती है अपने ससुर से, और तू तो उसका भी नौकर है, बता तेरी क्या औकात होगी मेरी नजर में? ये बता किसको चूना लगा के आ रहा है, इतना बड़ा खुश जो दे रहा है भाई। अबे उदास हूँ भाई, तो उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, अपन दफन के लिए पैसे नहीं है उसके पास क्या? क्या वो भी तेरी तरह का ही, इसका मतलब कोई इस बात पे खुश है? अबे नहीं बहन, प्राइस बॉन्ड दिए भाई वो, ताकि किसी से पैसे ले रूं, कोई दे नहीं रहा, बैंक ले नहीं रहा, एक हफ्ते बाद खुलने गए ना इसलिए। बॉन्ड? अबे वही जिस पे इनाम निकलता है भाई। अबे बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड, क्या जाहिलूस, चल तू फिकर ना कर। अरे तू वाकई फिकर ना कर, तेरा काम सब जो हो गया। एक जरूरी बात करनी है। आज हमारे नसीब कैसी जान गए कि आपने मिर्च से बात करनी। अब्बा मैं कह रही हूँ समझा लो अम्मा को, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है कि घर के काम करो, कभी झाड़ू लगा, कभी पोछा लगा, कभी बर्तन धो। मैं मेरी बच्ची के साथ तो बड़ी ज्यादती है, अब तू काम करेगी है ना? हाँ ना, मैं यही तो बोल रही हूँ अब्बा। अबे चल, कौन सा गलत कह रही है तेरी माँ, तू कहाँ की महारानी है? इस दिन याद है कहा के अंडा तल के ले आ, तू छिलको समेत तल के ले आई। हाँ तो कौन सा मुझे कहा था कि छिलको के बगैर तलना? आई चलिए हमें नजरों से, वरना मैं मार दूंगा। अबे तू औलाद के नाम पे कैसी टेंशन मिली है मुझे? अच्छा एक और बात भी है। क्या? तुम ना ये गोश्त का कारोबार बंद कर दो और कंप्यूटर की दुकान खोल लो अब्बा। नहीं, इससे पहले कि मैं छुरी फेर दू तबाह हो जा। अब्बा चुप हो जा। उस्ताद आज तो फुल निकाह चल रहा है। हाँ यार सुबह से बस दो आ गया है। उस्ताद वो नफीस के केस का पता चला उस्ताद? अब क्या हुआ अब इसके केस का, उठा लिया? नहीं नहीं वो वाला केस नहीं उस्ताद, उसका बांड निकल आया 50,00,000 का। 50,00,000 का? उस्ताद जब से हुकूमत ने ऐलान किया है किसी ना किसी का बांड जरूर निकल रहा है। अब क्या ऐलान किया? लो तुम्हें तो पता ही नहीं उस्ताद, हुकूमत ने ऐलान किया है जिसके पास 7,500 रुपए का बांड होगा
उसका इनाम जरूर निकलेगा। उस्ताद लोग तो अपने बच्चे छोड़ छोड़ के बांध ढूंढ रहे 7,500 वाला। आराम करता उस्ताद 3 करोड़। हाँ ना, अरे सोचो उस्ताद, तुम्हारा 3 करोड़ का बांध निकल आए कैसा होगा? अबे 3 करोड़ हो जाएगा, मैं बोला फौरन जा। भाई अम्मा, भाई अम्मा, भाई अम्मा। अबे भाई बेटा, बात तो कर, क्या हुआ? भाई अम्मा, भाई अम्मा, मेरे दोस्त का बाबा मर गया। भाई अम्मा वाह। अबे जब तेरा बाप मरा था इतना तो तू रोया नहीं था, अब अपने दोस्त के बाप के मरने पे इतना क्यों रो रहा? अरे बात ही ऐसी है भाई अम्मा, घर में मैयत पड़ी है, घर में मैयत पड़ी है और दफनाने के लिए पैसे नहीं है भाई अम्मा। हाँ तो पूछो, अगर उसके पास कोई बांड वगैरह हो तो उस्ताद खरीद लेगा। क्यों उस्ताद? हाँ ऐसी बात कर रहा हूँ, शायद कोई बांड हो। हाँ बांड तो है ना। अरे उस बेचारे ने 7,500 का बांड दिया है ताकि इसको बेचकर वो अपने अब्बा को दफना सके। डॉक्टर ने कहा जल्दी दफना दो भाई, वरना दोबारा भी उठ सकते हैं। हाँ जल्दी पैसे दो, ये बांड लो 7,000 तो गरीब दुआएं देगा। उस्ताद 7,500 रुपए का बांड है, तुम्हारे तो मजे निकल आए। उस्ताद ले लो, ले लो। अबे जा 7,000 का, अबे बहुत होते हैं 7,500 रुपया। उस्ताद 3 करोड़ भी तो बड़ी रकम होती है, सोचो। अरे भैया बड़ी जल्दी फैसला करो। अरे मैयत घर में पड़ी है कि बात से बड़ी चराग हो जाएगी अगर वो दोबारा उठ गया तो। अल्लाह तुझे इसका अजर देगा भाई अब्बा, बहुत अजीब काम किया तूने। ए अल्लाह भाई अब्बा को इसका अजर दे। बड़े मजे से सो रहा, उठ उठ। अरे क्या तू, तू क्या पहले पुलिस में थी? ये कोई तरीका उठाने का? टाइम देख रहा है तू, सुबह के 11 बज रहे, सोया पड़ा हुआ अभी तक? तो आज छुट्टी है ना, मंगल बुध को हमारी छुट्टी होती है। मंगल बुध को तो दुकान की छुट्टी होती है ना, घर के काम तो होते हैं। चल अब्बा बुला रहे हैं। उस बात को सुबह सुबह क्या काम पड़ गया? जाके मर और अखबार लेकर आ। अभी अखबार का उस्ताद क्या करेंगे, और अगर ले भी आया तो उन्हें पढ़ के कौन सुनाएगा? तुम लोग सारे तो वो पीले स्कूल के पढ़े हो ना, अलिफ बे पे के बाद होता क्या है मालूम है? ज्यादा औकात दिखाने की जरूरत नहीं पजामे, समझ आई? तूने पढ़ा होगा पीले स्कूल से, मैं तो अब्बा से पूरी 3 जमातें पढ़ी है। जा पिछले हफ्ते तो तू कह रही थी कि मैं रौनकुल इस्लाम स्कूल से पढ़ी हूँ, आज किसी के मुंह से अपवा नाम सुन लिया तो कह रही अपवा स्कूल से पढ़ी हूँ। वही, उसका पूरा नाम अपवा रौनकुल इस्लाम है जाहिल। मैं तेरा सारा कहना मानूंगा, बस एक दफा कागज से मुझे यही पूरा नाम लिख के दिखा दो। ज्यादा बकवास मत कर, जा जाके अखबार लेकर आ, आज हमारा प्राइज बॉन्ड निकलेगा। अबे बॉन्ड, आज तो अखबार में बॉन्ड निकल, अबे तो भी उस्ताद इतनी सुबह उठ गया। और हमारा ही निकलेगा। हाँ तुझे ख्वाब आया था ना कल रात में। तू जा रहा है चप्पल उतारू अपनी मैं? ए नहीं, क्या तू फौरन हाथ पाई पे उतर आती है? देख मुलाजिमों में तेरा शोहर नहीं हूँ जो इतनी बदतमीजी करती है, बता रही हूँ तेरे को। चल 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 चल। उस्ताद उस्ताद मुबारक हो उस्ताद। लग गया नहीं उस्ताद, अखबार मिल गया है। ये पकड़ो, ये चेक करो, बांध के लंबर सारे इसी में। अब देर दे, देर दे। अंग्रेजी ABC। अब नहीं आया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, लग गया बस। लग गया। अबे पाया में उल्लू के पट्टे कांड नहीं लगा। हाय मेरे 7,500। मैं देखूं क्या? उस्ताद रो क्यों रहा है? देख बांड जाया नहीं हुआ, यही तू बैंक में जाके ये बांड जमा कराएगा तो 7,500 तेरे हाथ में पकड़ा देंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक।
अब्बा, अब्बा लग गया, नंबर लग गया, लग गया नंबर अब्बा। हाँ। ये कितने का? अबे पजामे, अबे बाट लग गया। इनाम है कितने का? तीन के आगे सात अंडे हैं। तीन और सात दस अंडे, यानी कि दस अंडे 7,500 के नालत। अरे जाहिलो, तीन और सात अंडे नहीं, उस्ताद 3 करोड़ रुपए का इनाम निकला तुम्हारा, पहला इनाम 3 करोड़ का। उस्ताद ये तो अमीर हो गया तू, उस्ताद करोड़पति हो गया। अबे ये क्या भाई, इससे बड़ा घर तो हमारा था। अबे जाओ जाओ सिराज भाई, हमें पता है तुम लोग तो कच्ची आबादी में रहते थे पटरी के ऊपर। हेलो, एक से बढ़कर एक। कामयाबी का उसूल है लोगों को मजाक कराओ, जीना मत सिखाओ। अभी इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पे सिराज तीली को। नाहिद के अब्बा, जैसे तुमने कहा मैंने वैसे ही किया, सद्दो को मैंने साफ कह दिया कि सिराज को तो कानो कान खबर ना हो। तूने सद्दो को बता दिया? अब नाहिद के अब्बा ना बताती तो गुस्सा खा जाती ना। लो देख लो अब्बा, अब ये बात आपस से पहुंचेगी दूल्हा भाई तक और दूल्हा भाई को लगेगी आग, और वो तड़पते हुए आते ही होंगे, अभी बस देखो आने ही वाले होंगे। उस्ताद तेरी हंडिया तो बीच चौराहे के ही फूट गई, देखना कैसा हंगामा करेगा ये सिराज। अरे अल्लाह मुबारक हो तुम सबको, अब हम करोड़पति हो गए। हम तोर किया मेल आया था, मेरा बॉन्ड था, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ इस घर का भाई, मेरा भी हिस्सा इस पैसों में, इतनी आसानी से पैसे हजम नहीं करने दूंगा मैं किसी को। सुराज भाई तुम तो अपना बॉन्ड बेच चुके थे, तुम्हारा काय का हिस्सा? तू मुंह बंद रखे अपना, मैं नौकरों के मुंह नहीं लगता, इसको चुप करवा लो, चुप करवा लो वरना ये मेरे हाथ में। अबे बकवास बंद कर, यहाँ से मारता हुआ तेरे घर तक ले जाऊंगा। आराम से भाई अब्बा, आराम से, इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला, आफ्टर ऑल दामाद हूँ मैं इस घर का, मेरा भी हिस्सा इस पैसों में, निकालो मेरे पैसे, मेरे को और कुछ नहीं पता। लो भाई पैसे तो मिले नहीं, भिखारी पहले आ गए। लो सुन लो, बन निकल गए, बन निकल गए इसके। अम्मा मैंने तो कह दिया हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, अब ना हम अम्मा के साथ ही रहेंगे, अम्मा ये ना हमारे सारे खर्चे वर्चे ना अम्मा ही उठाएगी। अम्मा मैंने ठीक कहा ना, हमें पैसे नहीं चाहिए, हाँ हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है? सही है, मेरी शादा ने ये बोल दिया, मेरे को ये बात कबूल है भाई, अब हम आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन ये बात मत कभी भूलियो कि ये बांड है ना तुमको मेरी वजह से मिला है, और इन पैसों में मेरा भी हिस्सा है, बता रही हूँ मैं। अब देख हम चाहे बंगले में रहे या माल में रहे, तो इस गंध के साथ रहेगी, ये हो नहीं सकता। भाई अब्बा मैं मैनेज कर लूंगा, आप मेरे वालिदे मोहतरम की तरह हैं, और अम्मा बिल्कुल मेरी वालदा मोहतरमा की जगह पर। मुनाफिकत देख रही है, जा मेरे पास पीछे आए, इसके मुंह से सेहत टपक रही है। अल्लाह भाई दफा करो ना इन सारी बातों को अब्बा, बस ये सोचो कि पैसों का करना क्या है। सोच लिया। मैं इन पैसों से वो करूंगा जो मेरा बचपन का ख्वाब है। क्या? एक से बढ़कर एक। आवे बच्चों, ये तुम लोग का नया घर, मेरा ख्वाब डिफेंस। अब्बा इतना बड़ा घर, हाय अल्लाह, मुझे मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ, चूटी ना चूटी। हाय इसके अब्बा, अगर तो मैं घूम जाऊंगी
अरे जो बाहर बंदा खड़ा किया हुआ ना, जब तू गुम होगी ये ढूंढ के ले आएगा। अबे ये क्या भाई, इससे बड़ा घर तो हमारा था। अबे जाओ जाओ सिराज भाई, हमें पता है तुम लोग तो कच्ची आबादी में रहते थे पटरी के ऊपर, हम भूलते नहीं है का। बस कल दो गाड़ियां भी आ जाएंगी, इसके बाद हम जाएंगे क्लिप्टन। अब्बा मैं तो टक्कर वाली गाड़ी में बैठूंगी। और मैं कश्ती वाले झूले में। मैं तो चरखे वाले झूले में बैठूंगा भाई, और जो उल्टा चलता ना उसमें। लो डिफेंस आ गया, पर सोच अभी भी वही कच्ची आबादी वाली। देखो अब्बा सबका सब खरीद लिया गया। अब नहीं यार, 3 करोड़ निकला, कुछ 30 करोड़ थोड़ी निकला, ये घर भी किराए पे लिया। अब भाई अब्बा दो गाड़ियां कम पड़ेंगी, मैं तो सोच रही हूँ कि हर एक पास अपनी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ बेटा, तू क्यों परेशान हो ना, मैंने तेरे लिए वो गाड़ी ली है इतनी बड़ी, विश पे तू आराम से लेट भी जाएगा। देगा भाई देगा भाई, अब्बा को आखिरकार अपने दामाद की अहमियत का एहसास हो ही गया भाई। सिराज भाई, वैसे वो मैयत गाड़ी की बात कर रहे थे। उधर क्या कर लिए नहीं? कुछ भी करूं तुझसे मतलब? लो उससे मतलब क्या, अंधी लगी है यहाँ पे? बचपन से हम नल्ला पानी मार के तेरे पीछे पड़े, तू करी हमसे मतलब? देख पजामे, अब हम डिफेंस शिफ्ट हो गए हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, बेहतर होगा कि तू अपनी औकात में रहे। ये डिफेंस जिसको तू कह रही है जगह का नाम है, बोला इधर कोई किसी की डिफेंस विफेंस नहीं करता, याद रखियो। अबे चल चल निकल यहाँ से, मेरा नाम भी ना ही डेंजर है। डेंजर यहाँ पे हर गली में शाम को 6 बजे के बाद डेंजर लड़कियां निकलती हैं। तू क्या जाने, मैं यहाँ पे बहुत बकरे काटे हैं, जानवर गिराए हैं यहाँ पे मैंने, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह। आज तू बता ही दे चाहता क्या है तू? नहीं मैं तुझे चाहता हूँ नहीं, तू मुझसे शादी कर ले नहीं। क्या शादी तुझसे? शक्ल देखी अपनी, तू कहां मैं कहां, तुझसे शादी करूंगी मैं, निकल यहां से। ए मूसा लेन के ऐश्वर्या, थोड़ा हल्के आ, मुझे भी लोग न्यू कराची का अभिषेक कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अबे जा निकल यहां से कंगले। कंगला? मैं कंगला? मैं खूबसूरत हूँ, कमाता हूँ, फैशन सेंस है मुझ में, अंगूठा छाप हूँ, 5 मिनट बकरा बोटी बोटी करके हाथ में पकड़ा देता हूँ, क्या कह रही है तू? हाय अल्लाह, तेरी खूबसूरती पे मैं मर ना मिटूं कहीं। वैसे तुझे तो पता है तुझे देख के ना मुझे सिर्फ मुमताज बेगम याद आती है। मुमताज बेगम कौन है? मुमताज बेगम को नहीं जानता? नहीं। अरे वो ही गांधी गार्डन वाली जिसका सर इंसान का होता है और धड़ लोमड़ी का। ए, तू आसिफ का ना जाहो जलाल को आवाज दे रही है तुझे बताऊं, तू जानती नहीं मुझे, वरना मैं तो इधर तुझे तो बोल तो। तो मैं तो बहुत पुरमन इंसान हूँ, प्यार करने वाला, औरतों की इज्जत करने वाला, प्यार मोहब्बत से बोलने वाला। चिड़िया देख, इधर दो मेरे को, इसका पीछा छोड़ दो, मशीन का पागल होके गिर पड़ेगी। वैसे नाहिद के अब्बा, कसम अल्लाह पाक की नाहिद के अब्बा, आ तो अपन लोग यहाँ गए लेकिन यकीन करो दिल ऐसा धड़क धड़क कर रहा है, चैन नहीं आ रही जब से आए यहाँ पे। अरे ओ बावली औरत, अरे लोग तो ऐसी लाख में रहने के ख्वाब देखते हैं और तू कह रही है कि दिल घबरा रहा है। तो बात सुन, मेरे को ये बंद करना नहीं आता, इस कमबख्त मारे को तो बंद करो, यकीन करो टांगों पिंडलियां ऐठ गई हैं, मेरी बाँटें पड़ रही हैं मेरी। अरे ओ गरीब औरत, तुझे बीमारियां भी गरीबों वाली हैं, गांठें पड़ रही हैं, आंठें पड़ रही हैं, आंखें मुड़िया रही हैं। अच्छा एक बात बता, ये तू पड़ोसियों से मिल के आई? मैं जाने की वहाँ पे, ये बड़े बड़े कुत्ते वहाँ पे ना। हाँ तूने तो इनको कुत्ता ही कह दिया, अभी 24 घंटे हुए नहीं आए हुए। पागल वागल तो नहीं होगा, पड़ोसियों को कौन कुत्ते कह रहा है, उनके घर में ये बड़े बड़े कुत्ते, यकीन करो इनके यहाँ गई थी मैं गेट के नीचे से ऐसे झाँक कर ना, ये भौंके मेरे पे ऐसे भौंके, मैं तो भागते बनी भाग ली मैं वहाँ से।
वैसे इस इलाके का एक मसला है, हर घर में कुत्ता जरूर होता है। क्या कुछ तू समझे ही नहीं? अरे एक बात बता कि मेरा दिल बड़ा चाह रही है कि मैं वो शादी वाला कोट पहन के ना अपने मालदिले में जाऊँ, वहाँ जाकर ना सबको दिखाऊँ, लोगों को पता चले कि मुश्ताक भाई जो है अब अमीर हो गए, दफन से आ रहे हैं अपनी कार पर। नाइट कब तुम तो बिल्कुल बावले हो गए, सठिया गए, अकल से पैदल हो गए, कैसे लगोगे चाची का कोट पहन के अगले का कीमा बना से? अरे पागल, उनको पता कैसे चलेगा कि मुश्ताक भाई डिफेंस से डायरेक्ट अपनी गाड़ी पे आए और यहाँ आके काट काट के गोश्त दे रहे हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं बता दे रही हूँ तुम बिल्कुल बावले हो गए। ये मेरे को दो, ये मेरे को दे दो, अब खबरदार जो चलाया तुमने इसको। ए गरीब औरत, अरे दो मिनट अच्छी बातें कर लेगी मौत आ जाएगी तुझे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमेशा से नवाब ला दे रहे हो। बात सुनो, याद रखना, याद रखना, हमेशा से शादी में ना पैसे लूटते आए हो हमेशा से। अरे उस्तानी जी, बाहर तो बादल भी काले काले आए हुए, उस्ताद पता नहीं कहाँ रह गया, आज मार्केट से बहुत देर होगी हम सबको। अरे पजामे मेरे तो कह के गए थे कि कमरे से ऐसा चमक के निकलूंगा कि गोश्त की मार्केट देख के हैरान परेशान हो जाएगी ने, ये कह रहे थे। खैरियत हो, जी भी ना पहन कर आ जाए, जांगिया बनियानी ना पहन कर आ जाए। वैसे पजामे तेरे उस्ताद का को पता भी नहीं है, शो मारने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हेलो, हाय, नाहिद के अब क्या हो गया, ये क्या पेन के आ गए? कैसा लग रहा हूँ उस्ताद, किसी वलीमे पे जा रहे हो क्या? अब क्या बकवास कर रहा है, डिफेंस में रहता हूँ, नजर भी आना चाहिए। वैसे पजामे तेरा पहले वाला जो आइडिया था ना वो ज्यादा बेहतर था, वो पहन लेता तो अब क्या आइडिया था तेरा? कुछ भी नहीं उस्ताद, उस्तानी ऐसी मजाक कह रही है। अब चलते हैं, सब लोग गुस्सा है। अब बात सुन, कैसा लग रहा हूँ उस्ताद? मेरे से तो ना ही पूछ, मेरे मुँह से उल्टा सीधा निकल जाएगा, तो उस्तानी जी से पूछ ले। मुझसे तो पूछो ही मत, जब गोश्त की मार्केट जाओगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कैसे लगा। अरे पागल, 3 करोड़ निकली, 3 करोड़ कभी देखे तूने? अरे जहन्नुम में जाओ, मेरी बला से गधा गाड़ी में जाओ, पड़े आए कहीं से। उस्ताद चले, असल में लोग आ दी नहीं है ना तुम्हें साफ सुथरा देखने के, तुम तो साफ सलवार कमीज में मेले लगते हो। नहीं नाई के अब्बा ठहर जाओ, मैं अपनी बच्ची को लाडली को जर्मनी से भी अमरीके से भी बल्कि तिरम के घर से कुत्ते का बच्चा मंगवा कर दूंगी। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, तो ये कुत्ते का बच्चा। एक से बढ़कर एक अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन फिर ये हंस क्यों रहे? बाहर ड्रैगन लग रहा उस्ताद, अब्बा ड्रैगन। वाह भाई वाह, बहुत आला मुश्ताक भाई, बहुत आला, कसम अल्लाह पाक की बहुत जबरदस्त लग रहे हो तुम। अबे इस उम्र में हंसना नहीं आ रहा तो क्यों हंस रहा है? तो जब मैं अच्छा लग रहा हूँ तो हंस क्यों रहा तू? हंसी तो खुद ब खुद आ रही है, मैं थोड़ी हंस रहा हूँ तुम्हारा ये उलिया देख के। अबे ओ फजल, मेरे सामने उस्ताद का मजाक ना उड़ाइयो, गल्ला पानी खोल दूंगा यहीं पे। अबे चल चल आराम से बैठ, अबे चल तू भी चल, बता चाहिए क्या तुझे? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मुश्ताक भाई तुम्हें देखने आया था, वो नौशाद बोल रहा था कि मुश्ताक भाई को जाके देख लो, तबीयत एकदम फ्रेश हो जाएगी, और वैसे भी सारा मोहल्ला भी थोड़ी देर में तुम्हें देखने आ रहा है। अबे यार अजीब बात हो रही है, मेरा तो दिल ही टूट गया है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। चल अब जल्दी कर ले, बारिश भी होने वाली है, चल आ जा। साथ ना कर दूंगा, मना किया था मैंने कि पेंट कोट पहन के गोश्त की दुकान पे ना जाओ, वो भी बड़े गोश्त की दुकान।
दुनिया तो हंसेगी तुम पे इस तरह से। अब डिफेंस में रहता हूँ, अपनी कार में जाता हूँ, कोई मजाक है क्या? मजाक तो बन गया, असल में लोग आ दी नहीं है ना तुम्हें साफ सुथरा देखने के, तुम तो साफ सलवार कमीज में मेले लगते हो। ऐसे आदमी को ऐसा देखेंगे तो ऐसा तो होगा। अरे लोग जलते हैं, गुस्सा खाते हैं, बट डिफेंस में क्यों रहता हूँ मैं? अल्लाह आया जोकर आया। क्या हो गया, बावला हो गया, पागल हो गया? सुना भाई अब्बा बहुत रास्ता दुकान पे। अबे तेरे से क्या? वो नौशाद की कॉल आई थी। अबे नौशाद की मैं? अरे भाई मियाँ, दामाद किया ऐसे खाली नहीं जाती। मैयत की गाड़ी मंगा रहे थे मेरे लिए, देखा कैसा इंतकाम लिया कुदरत ने तुमसे। ए सिराज तू मुझे सिर्फ ये बता, तुझे बिल से निकाला किसने? चल वापस, चल चल अंदर। माँ फिर बेइज्जती कर रही है मेरी तू? भाई अब्बा से कुछ सीख ले, हंस रहे थे ना मुझ पे, खुद इबरत का निशान बन गए। अबे देख बे सिराज, ये दिमाग बिन्नोट हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ कि तू मेरा दामाद है ये। अरे बिन्नोट होता है तो होने दो, मैं भी भूल जाऊंगा तुम ससुरे हो मेरे। अबे ससुरा क्या रही है, मेरा मतलब ससुर हो हमारे। ए रुक, पहले तू मुझे ये बता दे बेगैरतों के खानदान के आखिरी चश्मो चिराग, कि तू हमेशा से ऐसा ये माँ बाप की बददुआओं से निकाला गया है। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है, बताए डेरियों में कि मुझे बता दे कि एक आदमी में 100 आदमियों की बेगैरती और 100 आदमियों की डिटाई एक साथ कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है? का जवाब तो मैं बाद में दूंगा। क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों है? हैं? किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तेरी माँ ने सबके सामने बेइज्जती खराब की है मेरी। ए चुप हो जा, ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली बार किसी ने बेइज्जती की है। अब तक तो आदत हो जानी चाहिए तुझे बेइज्जती कराने की। वो जबान चल रही है तेरी, बहुत जबान चल रही है, देख रही हूँ मैं। इधर शोर की बेइज्जती खराब हो रही है, उधर तू अपने माँ बाप का साथ दे रही है। ए तू भी कुछ कम नहीं है, तूने भी जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। मैं कब कुछ करता हूँ, इतना मासूम सा दामाद मिला है, तभी तो सब मिलकर मेरी बेइज्जती खराब करते हैं। अब अपनी अम्मा को देख लो, बोल रही है कहा बोल रही है, ये तू कहा अपनी बिल से निकल आया? अबे मैं क्या चूहा हूँ? ए दफा करना बेइज्जती को, बता मुझे चाट खिलाने लेके चल रहा है, बड़ा दिल कर रहा है। जूतों की मिक्स चाट खाएगी? ये जूतों की मिक्स चाट कौन सी होती है? पंपी, चप्पल, सैंडल, सबसे कूटूंगा तुझे मैं, खाएगी मिक्स चाट। भाई भाई इतनी देर से बेल हो रही है, दरवाजा क्यों नहीं खोल दिया? अबे नहीं सुनाई दी आवाज भाई, तू किस लिए इधर? घर का नौकर है ना तू, चल दरवाजा खोल। वाह, अब मैं नौकर हो गया? अबे चल निकल, चल। ठीक है। अबे चल बे, चल चल। अच्छा मुझे बताओ ना, चाट खिलाने लेके चल रहे कि नहीं? अबे दफा हो इधर से मनुष, क्या सुबह सुबह शक्ल तेरी देखनी पड़ जाती है। अबे जाती है कि उठाऊं एक पंपी। अरे भाई सिराज, बाहर कोई पठान आया हुआ तुम्हारा पूछ रही है। पठान? हाँ, दिलदार खान नाम बता रही है, वो तपा हुआ है, पश्तों में गालियां दे रहा है। सिर्फ सिराज का मुझे लफ्ज समझ आया तो तुम्हारे पास आ गया। दिलदार? का हुआ? दिलदार सुन के लकवा क्यों हो गया मुंह को? आसिफ भाई आपने बताया तो नहीं, मैं इधर रहता हूँ। अभी तक तो नहीं बताया, जाके बता देता हूँ। नहीं आसिफ भाई नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना, उसको बताओ भाई इधर कोई सिराज नाम का आदमी नहीं रहता, बल्कि इस पूरे इलाके में सिराज का तो कोई वजूद ही नहीं है। माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम सिराज रखना छोड़ दिया है, वो तो इस इलाके में बैंड है, सिराज का नाम बैंड है भाई। का सीन है भैया? बता देंगे जरा, अभी आप आसिफ भाई जाइए उनको निपटा दीजिए, उसके बाद फिर हम आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। कड़ा, अबे ये कहाँ से आ गया, मैं तो फंस गया बे, लालच बोली बुलाए बे। क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? हम सिराज का पूछ रहे, क्या हुआ? अच्छा सिराज कह रहा है वो नहीं है, इधर भी नहीं है, हमको किसी ने कहा था इधर ही मिलेगा, इधर नहीं है तो किधर मिलेगा? खान तुम्हें काम क्या है उससे? ओ मला, उस कबीज का बच्चा से हमको क्या काम होगा?
हमारा 5000 का के भाग गया है। वो तभी उसका रंग सफेद पड़ गया था। किसका रंग? वो सिराज का। अभी तुम कह रहा था सिराज इधर नहीं है। वो उसका रंग सफेद पड़ जाता ना खान अगर वो तुम्हारे सामने होता। और हमारा लाल गुस्सा से। लाला तुमने उसको पैसे क्यों दिए? हमारे पास आया था रोता हुआ, बोला हमारा सुसर मर गया, दफनाने का पैसा नहीं है, हमको रेम आ गया, हमने पैसा दे दिया। अभी उसने उस्ताद को मार दिया? नहीं, अपना सुसर को मारा। वही बात ना। वही कैसे मारा? अपना सुसर को मारा है, तुम्हारे उस्ताद को नहीं। अबे खान वही बात कर रहा हूँ, वही तू समझ क्यों नहीं रहा यार? खान समझ गया, तुम ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा सुसर और उसका उस्ताद एक ही दिन मरा। अबे मेरा सुसर कहाँ से आ गया, इसी चक्कर में तो ख्वार हो रहा हूँ। मेरा उस्ताद, उसका सुसर, समझा? ओ मड़ा, अब कान समझ गया है। तुम ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा सुसर उसका उस्ताद था, उसने अपना सुसर को मारा तो तुम्हारा उस्ताद भी मर गया। क्या अजीब आदमी है, अपने उस्ताद के मरने पे कोई ऐसा करता है? मर गया दफा करो। कान का दिमाग घुमा दिया। एक से बढ़कर एक। अरे मेरे सरदारी कैसा लग रहा है, है? नई महल्ले में? नया महल्ला बहुत कंचा है डैडी। डैडी? अरे अब्बा से डैडी? ओफो नाहिर, तुझ पे बड़ा डिफेंस का रंग चढ़ रहा है भाई। डैडी कब थैली भी कहेगी? हाँ ना अम्मा, ये डैडी और तुम मम्मी। और ये हुई ना बात भाई, मैं डैडी तू मम्मी, अब तू मुझे प्यार से बुलाया कर, मुस्सी। प्यार से? प्यार से तो कभी भी ना बुलाऊं, वैसे कहूंगी मुस्सी मुस्सी। उस्ताद चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पहले खोल ले। अबे पजामे सुन, मैं अब्बा से डैडी और तेरी उस्तादी अम्मा से मम्मी। उस्ताद डैडी के तक तो ठीक है, लेकिन ये डैडी से जो डेड का सफर है ना, इसका ख्याल रखियो। अबे क्या मतलब? उस्ताद जा डिफेंस में और अंग्रेजी में, अब्बा को तो डैडी कहते हैं ठीक है, लेकिन मरे हुए इंसान को डेड कहते हैं। वो डेड बॉडी सुना था ना तूने, वो है। क्या क्या कह रही है ये, क्या कह रही है ये? हाँ ना, और अगर यकीन ना है तो उससे पूछो जिसको फुल इंग्लिश आती है। लेकिन एक खबरदार नाहिद, आज के बाद बाप को डैडी कहा ना जिंदा बाप को मारी, खुदी से जबान खींच लूंगी मैं। लो अम्मा, अब जरा मम्मी की कहानी भी सुन लो। अब मजेदार है? उस्ताद है तो मजेदार। हजारों साल पहले मिस्र में जो लाशें दफनाते थे उनको मम्मी कहते थे, जैसे फिरौन की मम्मी, फिरौन की लाश। कमबख्ती मारी, माँ को दफन कर रही है, फिर उनकी लाश कह रही है, देख लो अपनी लंबी को। ईमान से कसम ले लो माँ, झूठ थोड़ी बोल लिया हूँ। हो गया तेरा काम, चल निकल यहाँ से। अरे बाबा, वो है मम्मी जी दीदी, तू जिंदा माँ बाप को मार रही, आज के बाद मैं अब्बा या अम्मा, बस। अल्लाह नाइट के बस सोच सोच के बेशक हो रही है, कबर का अंधेरा आंखों के आगे लहराता जा रहा है। कुछ नहीं कह रही मैं। ये ना भी नहीं। वाह भाई, ये गरीब खाने से डिफेंस में आया हूँ, बच्चों को माँ बाप को मारने लग पड़े भाई, अल्लाह बचाइयो। अरे मजा आ रहा है बात सुन, किस चीज का मजा आ रही है जरा मुझे भी तो बता। माँ क्या मतलब किस चीज का मजा आ रहा है? अपने इर्द गिर्द तो देखो, इतने बड़े बड़े कमरे हैं, हर कमरे में एसी है, इतने बड़े बड़े बाथरूम, इतनी सारी गाड़ियां अम्मा, और बाथरूम के अंदर और वो जो नहीं होता क्या है वो अम्मा, जिसमें श्रीदेवी मरी थी। कमबख्ती मारी, वो तो बड़ी बाल्टी में डूब के मरी थी, तू ना मर जाना इस तरह। नहीं अम्मा नहीं, उसको क्या कहते हैं टब अम्मा, टब में गिर के मरी थी। अमीर हो गए अम्मा, जहन्नम में जाए सबको, ऐसा अपना पुराना महल्ला याद आता है ना मुझे, आठ आठ आंसू रोती हूँ। अरे मिलने जुलने वाले तो नजर आते थे हैं, सरे शामी पकोड़े वाला आके खड़ा हो जाता था, कहीं गोलगप्पे वाला आके खड़ा हो जाता था, बाजी गोलगप्पे ले लो, बाजी गोलगप्पे ले लो, है
कैसे गली महल्ले के लम्बे आके खड़े हो जाते थे, खाला कोई काम है तो बताओ, कोई काम है तो बताओ। भाई ये सौदे का कहा और ये सौदा ला के धर दिया घर में, और यहाँ कम बख्ती मारे मगरिब होते ही कब्रुस्तान बन जाता है, हैं न कोई जी बशर नजर आता है, न किसी की आवाज़ सुनाई देती है, बस कुत्ते भौंकते हैं और किसी एक आध गाड़ी की आवाज़ आ जाती है, टर 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 बस। आए हाय अम्मा, ये डिफेंस है, डिफेंस में ऐसे ही होता है, खामोशी होती है अम्मा, लेकिन अब तो हम अमीर हो गए ना, डिफेंस वाले हो गए। देख शायदा, अब तूने अगर अमीरी की बात की ना तो यहीं से जूस खींच के मारूंगी, हैं कान से पकड़ के तुझे घसीटती हुई लेके जाऊंगी नई कराची के अंदर में, खुदा गारत करे ऐसी अमीरी को, कान पक गए मेरे कान, खबरदार मेरे जूते पे हाथ लगाया किसने, कान पक गए मेरे कान, यकीन कर दोबारा ऐसा बोला ना, ऐसा झांपड़ दे के मारूंगी ना कि गाय के पाए मारूंगी तेरे सर पे। अम्मा नहीं समझेगी, कौन समझाए इसे, अब हम अमीर हो गए, अमीर। अम्मा, अब्बा, लो मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। लो जी, विन की कमी थी। हाँ जी फरमाए। देखें, अब हम डिफेंस शिफ्ट हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, पैसे भी हमारे पास है ना अब्बा, तो मुझे ना 4 लाख रुपए चाहिए। अब बावली तो नहीं होगी तू, देख कोई नशा तो नहीं किया होगा इसने। 4 लाख जूते ना रसीद करूं तेरे सिर पे, हैं? वजह बता 4 लाख की। मुझे ना कुत्ते का बच्चा लेना है। कुत्ते का बच्चा? हाँ, यहाँ पे हर किसी के घर में कुत्ते हैं, तो मुझे भी अपना कुत्ते का बच्चा चाहिए। बावली हो गई तेरी औलाद, नाइत के अब्बा चेक कर। अरे भाई, जिस घर में कुत्ते होते हैं ना फरिश्ते नहीं आते, बरकत खत्म हो जाती है। लो 4 लाख खर्च करके मैं बरकत खत्म कर दूं। जरूरत क्या है कुत्ते के बच्चे की सिराज, है ना, वैसे भी उस मनुज की वजह से सारी बरकत उड़ी तो जा रही है यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुत्ता पालना है तो मुझे कुत्ता पालना है। अच्छा, तेरे को कुत्ते का बच्चा चाहिए ना, चाहिए, हो गई बात। नाइक के अब्बा फौरन से पेशतर इसको फोन लगा, सुल्ताना को फोन लगा, इसकी गली में कुत्तियां ने इकट्ठे 6 बच्चे दिए, जिसमें से 1 लाख इसको दे दे, हो गया तेरा काम। भाई अम्मा, वो वाला कुत्ते का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे जर्मनी वाला कुत्ते का बच्चा चाहिए अब्बा। लो बताओ, अभी तेरे लिए कुत्ते का बच्चा लाने के लिए मुझे जर्मनी जाना पड़ेगा, हैं? नहीं नाइक के अब्बा, ठहर जाओ, मैं अपनी बच्ची को, लाडली को, जर्मनी से भी, अमरीके से भी, बल्कि तिरम के घर से कुत्ते का बच्चा मंगवा कर दूंगी। अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, तो जाकर ले कुत्ते का बच्चा, मिला कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चा लेंगे। वैसे ये कोर हो जाता तो अच्छा ही था, कुत्ते का बच्चा क्या हमारा, एक ही बात। तो तेरे नहाने के बाद नाली बंद हो जाती है, जब तक तेजाब ना डालो ना तो खुलती नहीं है, और ऊपर से जिस साबुन से तू रगड़ रगड़ के कह रहे ना तू नहाता है, वो फेंकना पड़ जाता है, इतना गंदा हो जाता है। हाय अल्लाह, और गुसलखाना, उसमें तो इतनी बदबू हो जाती है कि 2 दिन तक नहीं जाती अगर बत्तियां चलानी पड़ती है मुझे बाद में। अबे चुप कर जा, से कुछ ज्यादा ही बोले जा रही है तू। अजय, इन बातों को दबा कर, तू स्तरियों करके वो रिश्ता देख नाइब के लिए। मैं ही देखूं? हाँ भाई, कोई अच्छा तालीम याफ्ता दौलतमंद रिश्ता हो तो बता हमें। उस्ताद, ये रिश्ता तो तुम खुद ही देखो, हो सकता है रिश्ता तुम्हारे आसपास ही घूम रहा हो कहीं पे। अबे मैं मतलब समझा नहीं। मतलब देख उस्ताद, ये जो रिश्ते है ना, ये तो आसमानों पे बनते हैं उस्ताद, और अगर कुदरत ने चाहा तो रिश्ता तेरे पास खुद चल के आ गया उस्ताद, ये देख। अबे पजामे, बात तो तू बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन बस कान खोल के सुन ले, नाइब का रिश्ता तू ही देखेगा। और हाँ, कुछ दिनों के लिए हम दुकान नहीं खोलेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि तू सिराज पे नजर रख, अब इसकी आदतें कुछ मसकूक लगती है मुझे। बात कहाँ कहाँ नजर रखूँ मैं? अबे और कहाँ नजर रखी होगी तूने? मेरा मतलब उस्ताद, मैं सारे दिन घर के काम इतने करता हूँ, इतने मसलों में फंसा होता हूँ, अपना तो नल्ला पानी निकल जाता है उस्ताद, मैं ये तो नहीं मैं कर सकता ना। अबे तुझे ही करना है सारे काम, और हाँ, नाइत के लिए रिश्ता भी देख। उस्ताद, सिराज पे नजर रख लूंगा पर ये काम नहीं करूंगा। क्यों?
बस उस्ताद गैरत इजाजत नहीं दे रही मेरी। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा उस्ताद एक रिश्ता है मेरी नजर में। है? अब लड़का कैसा? वो शर्फू नहीं है और जिसकी पंसारी की दुकान है मार्केट में। हाँ। उस्ताद उसका बेटा बरकत। लौंडा कैसा? उस्ताद बाकी सब मस्त है, बहुत अच्छा है, बस उस्ताद तीन चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है। कौन कौन सी? उस्ताद एक टांग उसकी लकड़ी की है, एक बाजू में राड है और एक आंख बस पत्थर की है। अबे सरफू अपने बेटे पे बोर्ड लगा दे कि ये लौंडा अंडर कंस्ट्रक्शन है, पत्थर लकड़ी लोहा सब मौजूद है। अबे सरफू दोबारा लौंडा तैयार कर रहे हैं क्या? पता नहीं उस्ताद। अबे कमीने, तू जितने भी रिश्ते मुझे बता रहा है वो सारे एक जलजले में खत्म होने वाले। अबे रहने दे, मैं खुद देख लूंगा अपनी बेटी के लिए रिश्ता। हाँ ठीक है उस्ताद, अगर कहता है तो मैं ढूंढ लेता हूँ। वैसे चलो शुक्र है ये शर्फू का लौंडा किसी काम तो आया, अब इस घर में मैं करूंगा। ओ जाने जाना उस्ताद। क्या बात है, क्यों इतना हिनहिना रहे हैं? क्या हो गया भाई, घोड़ा थोड़ी हूँ जो हिनहिनाऊंगा मैं। आहा, मेरा मतलब है क्या हो गया, क्यों इतना गुनगुना रहे हो? अबे कसम अल्लाह पाक की मजा आ गया भाई, जिंदगी में पहली मर्तबा नहाया हूँ फवारे से। अबे एक तरफ खोलो तो ठंडा पानी, दूसरी तरफ से खोलो तो गर्म पानी, मजा आ गया ईमान से। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊँ, तू जितना भी नहा लेना लगता है तू नहाया नहीं है। भाई ये क्या बकवास कर रही हो तू, एक घंटा रगड़ रगड़ के मैं नहाया हूँ और तू बोल रही है लगी नहीं रहा कि मैं नहाया हूँ। हाँ अब जो बात सच है वो तो है ना, वैसे बात बता मुझे पिछली बार कब नहाया था? एक बार नोट की है मैंने, जब से मैं नहा के निकला हूँ तो कुछ ना कुछ बोले जा रही है, मसला क्या है तेरे साथ? हाँ तो तुझे किस बात की आग लग रही है, जब भी तू नहा के निकलता है तेजाब से गुसलखाना तो मुझे ही धोना पड़ता है ना। तेजाब से? हाँ तो तेरे नहाने के बाद नाली बंद हो जाती है, जब तक तेजाब ना डालो ना तो खुलती नहीं है, और ऊपर से जिस साबुन से तू रगड़ रगड़ के कह रहे ना तू नहाता है वो फेंकना पड़ जाता है, इतना गंदा हो जाता है। हाय अल्लाह, और गुसलखाना उसमें तो इतनी बदबू हो जाती है कि दो दिन तक नहीं जाती अगर बत्तियां जलानी पड़ती है मुझे बाद में। अबे चुप कर जा, कुछ ज्यादा ही बोले जा रही है तू। ए मुझे बता इसमें झूठ क्या है, पिछली बार मुझे पुराना मोहल्ला है ना उसकी सारी नालियां बंद हो गई थी, चंदा इकट्ठा किया था सारे मोहल्ले वालों ने और फिर जाके नालियां खुलवाई थी। हैं बता झूठ है इसमें कुछ? उसमें मेरी गलती थोड़ी थी, वो बच्चों ने बाल गटर में फिसा दी थी। हाय हाय बस बस रहने दे तू, वो जो अकरम जमादार है ना उसने मुझे सारी हकीकत बता दी थी तेरी। अबे ज्यादा बकवास नहीं कर, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जरा देर से आऊंगा। किधर किधर जा रहे तू? अबे बीवी है मां थोड़ी है, तुझे बता के जाऊंगा। बात करती है कैसे हो सकता है, रात तक तो पेश ही यही थे। अरे मुस्ताक पक्का याद भी है तुम्हें कि नहीं? अबे दिमाग खराब ना कर पागल लबन, मैं फारसी में बात नहीं कर रहा हूँ तुझसे। अरे उर्दू तो तुमसे ढंग से बोली नहीं जाती, फारसी में क्या बात करोगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसे यहीं रखे थे या कहीं और रख के भूल गए? अबे कल ही बैंक से पैसे लेके आया था, गाड़ी के पैसे दे देते और घर का किराया देना था। अच्छे कितने मुस्ताक? 5 लाख। पांच मुस्ताक 5 लाख? या अल्लाह अल्लाह हारत करे। क्या हुआ मां? अरे अरे हमारी अलमारी से को रात को 5 लाख ले गए अपने कने। क्या 5 लाख? अबे समझ नहीं आ रही कौन कर सकता है ये। मुझे पता है एक ही शख्स हो सकता है, एक ही। कौन? वो सिराज कमबख्ती मारा, उसी के कने होंगे, जाके निकाल लो उससे, मैं बता दे रही हूँ। अबे खून की नदियाँ भागूंगा,
अगर ये सब हुआ तो भूल जाऊंगा कि वो मेरा दामाद है। एक बात कहूं? हां बोल। वैसे ना ये एक और शख्स भी है जो ये काम कर सकता है। कौन? आसिफ पजामा। वैसे ये बात तुम दोनों ना भूलो कि उसको इस घर से कुछ नहीं मिला है। अबे भावली होगी तू, आसिफ पजामा ये काम नहीं कर सकता, मैं इसको बचपन से जानता हूं। ना ना, मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा दिल हरगिज नहीं मान रहा, ये उस खबीज के अलावा कोई नहीं हो सकता। माने या ना माने आप, हो सकता है किया हो, हो सकता है ना भी किया हो। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है। नाई कब्बा पुलिस बुलाओ, फौरन के फौरन पुलिस बुलाओ। बड़ा गोश्त छोटे गोश्त से अलग होना चाहिए अभी के अभी। नहीं नहीं, जा आसिफ हो या सिराज, ये पुलिस को नहीं देने का। वैसे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले उन्हें खुद मालूमात करने दो ना, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है। बात सुनो, इस बात का किसी को पता नहीं चले। अरे इसको कौन बताने जा रही है, अरे मेरा तो खुद सिर भिन्ना टो रहा है, आए मेरी कनपट्टियां फड़फड़ा रही। अबे जा जाके मां के लिए पानी ला, बैठ जा बैठ जा। आए आए पांच ला। अबे ये क्या गेम है, कौन है ये फोन पे? अब समझ नहीं आ रही ये सब कुछ हुआ कैसे। क्या है? बेट बोलो। देख भाई सिराज, अब देख जो बात मैं तुझसे पूछ रहा हूँ मैं उसका सही सही जवाब दे, एक बात भी झूठ निकली ना तो फिर सोच लियो। अरे भाई अब्बा बात क्या है बोलो ना, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अबे परसों रात को आता तू मैं मनीष का राउंड है ना, उसी के वलीमे पे गया था मैं। रात कितने बजे आया था? 12 बजे आ गया था मैं। लेकिन भाई अब्बा हुआ क्या है, तुम क्यों पूछ रहे हो? देख बस राज, मैं बात लगी लिपटी रखने का काल नहीं, मेरे कमरे की दराज से 5 लाख रुपए चोरी हुआ। अब सच सच बताइए क्या सीन है? क्या सीन है क्या मतलब, क्या कहना चाह रही है भाई अब्बा, क्या कहना चाह रही है? अबे सीधी सी बात है, इस कार्रवाई में तेरा हाथ तो नहीं, सच सच बताएगा तो ये बात मैं यही खत्म कर दूंगा। ये भाई इल्जाम लगा रही है मुझ पे, ये चोरी मैंने की है। अबे आराम से बैठ जा, तू इतना शरीफ आदमी भी नहीं है कि तुझ पे शक ना किया जाए। अबे जो पूछ रहा हूँ ना उसका साफ साफ जवाब दे। अबे देख भाई क्या हुआ, अबे चल 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 चल, अबे हुआ क्या? अब भी बोल दे सब मैंने किए। अब तो तेरे साथ में नीचे बैठा था, अब क्या बोलेगा भाई? बस तुम दोनों नीचे आ जाओ, सबको सामने बात होगी।
अरे चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। इस घर में जो भी हो रहा सही नहीं हो रहा, और आज के इस केस के बाद तो ये बात तय हो गई है कि जो भी कर रहा है इस घर का ही कोई है। भाई अब ये हम आपस में क्यों बहस कर रहे हैं भाई, चोरी तुम्हारी भी हुई है, चोरी हमारी भी हुई है। अब एक ही आदमी बचता है जिसका कुछ नहीं जा रहा, वही ये काम कर सकता है, और वो है तुम्हारा मुलाजिम आसिफ पजामा। देखा देखा अम्मा अब्बा, तुम दोनों से कहा था मैंने, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी ना। उससे तो कुछ पूछ ही नहीं रहा कोई, मेरे मियाँ पे शक किए जा रहे, उस कमीने से भी तो कोई कोई पूछे। माइक अब्बा, मैं तो कह रही हूँ इसको बुला लो, पहले मामला किसी और तरफ जा रहा था, अब किसी और तरफ जा रही है, बुलाओ इसको। ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो बुला लेते हैं इसको। अबे आसिफ, आसिफ हो भाई। उस्ताद जी, उस्ताद बैठ जा। वेदर मर। क्या हुआ उस्ताद, सब खैरियत तो है? मैं चुप कर, खैरियत के बच्चे, ज्यादा ड्रामे नहीं कर। देख आसिफ, जो भी तुझसे पूछूं सच सच बताइयो। उस्ताद मैंने तुझसे झूठ बोला है कभी? क्यों बे, तू लौंडा है, लौंडा है तू। अबे बात करने दे, बकवास किया जा रहा है। देख आसिफ, दो तीन दिनों से इस घर में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, चोरियां हो रही है। पहले मेरे कमरे से 5 लाख निकला, अब सादा की अलमारी से जेवर चोरी हो गया, चोरियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मैंने सोचा कि इससे पहले ये केस पुलिस को दूं, और एक बात कान खोल कर सुन ले, पुलिस का सारा शक तुझी पे जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कोई ज्यादती हो। साफ साफ बता दे मुझे, अगर चोरी तूने की है या इस केस से तेरा जरा बराबर भी कोई नाता है तो खुल के मुझे बता दे, मैं ये केस यहीं खत्म कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर तू नहीं बताएगा तो फिर पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस के हवाले करूंगा, फिर बाद में मुझे मत किए कहियो कि मैंने ज्यादती की। उस्ताद तू मुझे चोर समझ रहा है? उस्ताद क्यों बे, समझने वाली कौन सी बात है इसमें, हम सब तो घर के लोग हैं, एक तू ही है बाहर का, तो फिर शक तो तुझ पे ही जाएगा ना। चुप कर जाना, ए दब्बा बात कर रहा ना, चुप कर। ठीक है, मैं तुम सबको 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं, कल इसी वक्त हम यहीं बैठेंगे, अगर मसला हल हो गया ठीक है, वरना मैं एक केस पुलिस को दे दूंगा। बाद में कोई मुझसे शिकायत ना करे, पुलिस उसकी मर्जी, वो जिसके साथ जो सुलूक करे। ये सारी चोरियां वगैरह ये मैंने ही की हैं,
शहजादाबाजी के जेवर और तेरे कमरे से जो 5 लाख रुपए है वो मैंने चोरी किए उस्ताद। एक से बढ़कर एक ना बोले जो नजर कह जाए, होले होले दिल को दिल से मिला है जाने कब से जानती है तू उसे? 15-20 दिन से। 15-20 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा घर तूने उस पर लुटा दिया? तुझे उस्ताद और उस्तानी का एक दफा भी ख्याल नहीं आया? देख मैं उसके घर हर ईद पे जाके बकरे बनाता हूँ, मुझे पता है वो शादीशुदा, उसके 2 बच्चे भी हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है पजामे, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तू ये सब कहानियां इसलिए बना रहा है क्योंकि मैं तेरी मोहब्बत को बहुत बार ठुकरा चुकी हूँ। देख नाहिद, तुझे मैं पसंद हूँ या ना हूँ ये बात अलग है, लेकिन तुझे उस्ताद और उस्तानी का ख्याल रखना चाहिए था। सोच उस्ताद पे क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि इन सारी चोरियों के पीछे तेरा हाथ है, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो लड़का तुझसे शादी करेगा? वादा किया है उसने मुझसे कि जैसे उसका कारोबार शुरू होगा ना वैसे रिश्ता भेजेगा मेरे लिए घर पे। अबे क्या बोल रही है तू नाहिद, उसका नाम वकार है, रूफी कहते हैं पूरे मोहल्ले में उसे। पूरी मालूमात आज सुबह निकाल के लेकर आया हूँ, ये उसकी बीवी का नाम, उसके घर का पता और बीवी का फोन नंबर। नहीं यकीन आए तो फोन घुमा उसकी बीवी को, आज से पजामे को मजाक समझा क्या सबने? बोलो क्या सोचा तुम सबने? सोचना क्या है भाई अब्बा, पुलिस बुलाओ और गिरफ्तार करवाओ इसे, ये इसे नहीं मानेगा। चुप हो जा, तुझे गिरफ्तार करवा दूंगा। ले भाई सुन लो इनकी बातें, ये मुझे गिरफ्तार करवाएंगे, देवरात भी हमारे गायब हुए, गिरफ्तार भी हमें करवा रहे हैं। चुप क्यों है, करता क्यों नहीं है कुछ? ये पजामे, अगर तुझसे गलती हुई है मनोज तो बोल देना कुछ बकदे। ये सच है उस्ताद, ये सारी चोरियां वगैरह ये मैंने ही की हैं। शहजादाबाजी के जेवर और तेरे कमरे से जो 5 लाख रुपए है वो मैंने चोरी की है उस्ताद। क्या बकवास कर रहा है तू? देखा देखा, मैं नहीं कहता ना यही चोर है, मगर इस घर में दामाद के सुनता कौन है, सब दामाद को उल्लू का उल्लू समझते हैं भाई। क्यों किया तूने ये सब? लालच में पड़ गया था उस्ताद, लालच में। मैं सोचता था कि जब तुम सब लोग अमीर हो गए तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता पैसे वाला। बस एक दोस्त की तरफ मैंने जुआ खेला, पहला जुआ तो मैं जीता, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हारना शुरू हुआ कि उधार और कर्जा सर पे चढ़ना शुरू हो गया। तो बस वो उधार और कर्जा उतारने के लिए मैंने ये सारी चोरियां की उस्ताद। अरे कमबख्त, मेरा जेवर कहाँ है, वापस कर। जुए में सारे जेवर हार गया तेरा, मैं सत्य दोस्त। 10 साल का तू थू जब मैंने तुझे पाला, तेरा ख्याल किया, और तूने क्या किया? तूने तुझे जरा भी शर्म ना? दबा जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं। ऐसे कैसे जाने दूं, हमारे जेवरात गायब हुए भाई, ला दे जेवरात, मुझे बनना तेरे। तुझे जेवर मिल जाएंगे मैं बना के दूंगा। उस्ताद शहजादाबाजी के जेवरात अब भी मेरे पास है, मैं अभी लेकर आता हूँ। झूठ बोल रही है। ये चोर नहीं है, ये सारी चोरियां मैंने की थी, और मुझे बचाने के चक्कर में ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। क्या बकवास करी जा रही है तू, क्या बकवास करी जा रही है? मैं सच कह रही हूँ अम्मा, वो ये सारी चोरियाँ ना मैंने वकार और रूफी के कहने पे की थी। महल्ले में टहलते वो ना उससे मेरी दोस्ती हो गई थी, और पता नहीं दोस्ती कब मुलाकातों पे पहुँच गई। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? आसिफ पजामा, गोलगप्पे, क्या था शॉप जी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? यस, नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे यहाँ खड़ी थी।
ओके, अच्छा लगा आपसे मिल के, बाय। सुनिए जी, आपका नाम क्या है? वकार नाम है मेरा, और लोग मुझे प्यार से रूफी कहते हैं। और आपका? मेरा वो नोनी नाम है मेरा, नोनी। वाह, आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। सच में? थैंक यू, बस जो समझ आया जल्दी जल्दी में वही रख लिया। अब यहाँ रहती हैं आप? जी, कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हम यहाँ पर। ओके। वैसे आपका कुत्ता बिल्कुल आपकी तरह बहुत प्यारा है। जी, मेरी तरह? कसम से बिल्कुल सच बोल रही हूँ। देखिए, इसका नाम टॉमी है और मैंने जर्मनी से मंगवाया इसको, पूरे 4 लाख का है ये। 4 लाख? वैसे आपका कुत्ता ना आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। मुझे चलना चाहिए। अच्छा सुनिए, आप अपना मोबाइल नंबर तो दे दीजिए। नोनी, काश तुम मुझे पहले मिल जाती। क्यों? क्योंकि फिर मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ला सकता। अल्लाह वकार, तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता? नहीं नोनी, अब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? देखो नोनी, पहले मेरा अच्छा कारोबार था, बेहतरीन ऑफिस था, फिर मेरे पार्टनर्स ने मुझे धोखा दे दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अब देखो, मैं रोड पर आ चुका हूँ और दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। वकार, ऐसा तो ना कहें, आपको तो कुछ करना पड़ेगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पुलिस कुछ करे ना। क्या पुलिस? पुलिस? नहीं नहीं, वो जब किसी की मिन्नत करते हुए कहते ना वो। You mean please? हाँ वही। अच्छा नोनी, तुमने कहा था कि तुम्हारे अब्बा का 3 करोड़ का बॉन्ड निकला है, तो क्या वो कुछ मेरी मदद कर सकते हैं? अब्बा, अब्बा किसी को अपना बुखार ना दे, 3 करोड़? फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, लगता है हमें अलग होना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, आप प्लीज इस तरह तो ना कहना। एक मिनट। ये लें, ये ना पूरे 340 रुपए हैं, आप अभी ये रख लें, मैं बाकी भी कर दूंगी। नोनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये मैं तुमसे ये यतीम खाने का चंदा मांग रहा हूँ। अच्छा आप गुस्सा तो ना करें ना, आप मुझे ये बताएं कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। देखो नोनी, मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, अगर 20-30 लाख भी मिल जाएंगे तो आराम से काम निकल सकता है मेरा। 20-30 लाख? मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं बस आपको खोना नहीं चाहती। अच्छा नोनी, मैं सोच रहा था कि जब पैसे मिल जाएंगे तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, ताकि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। पक्का? पक्का। फिर ना मैंने ये सब कुछ किया, इस आसिफ पजामे को सब कुछ पता चल गया, इसने ना मुझे वकार और फूफी की सारी असलियत बताई। अम्मा, वो सिर्फ शादीशुदा नहीं था, उसके 2 बच्चे भी थे। अभी अभी मैं उसके घर से आ रही हूँ, वो ना मेरे पैरों पे पड़ के मुझसे माफी मांग रहा था कि खुदा के वास्ते मेरी बीवी और बच्चों को कुछ ना बताना, और उसने 5 लाख भी वापस कर दिए हैं। अब्बा, ये 5 लाख, मैं और ये घर, आज सिर्फ आसिफ पजामा की वजह से बचे। बेगरत, अरे तू डूब कर मर क्यों नहीं गई, जिंदा गाड़ दूं मैं इसे। तू क्या कह रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई अब्बा, ये सब छोड़ो, अब इससे हमारे जेवर भी मंगवाओ, तुम्हें तो तुम्हारे 5 लाख मिल गए ना, हमारा हिसाब भी क्लियर करो। सुनाई भाई, थोड़ा सबर लो, जेवर की भाग नहीं रही है, वापस आ जाएंगे। सिराज, जा बाहर देख दरवाजे पर कौन है। मैं क्यों देखूं, ये नौकर खड़ा है, ये देखेगा। चल बे, दरवाजा खोल जाके जा तू। चलो शुक्र है, सारे मसले हल तो हुए। आज से ये मेरा नौकर नहीं, बेटा है बेटा। हाँ, सब सुन लो कान खोल के। क्या हो रहा है? अबे क्या हो रहा है? अबे कौन है सिराज ये? हम बताते हैं हम कौन है।
ये कभी इसका बच्चा 5 साल से हमारा 5,000 रुपए खा के भागा हुआ है। जब पैसा मांगता है हम इससे, ये झूठ बोल के भाग जाता है। अभी कान को पता चला कि इसका 7,500 का बॉन्ड भी इसके पास है, वो पैसा भी ये खा गया खबीस। अब बॉन्ड खुल गया, उस पैसे पे ये खबीस अय्याशी कर रहा है। अब हम इसको नहीं छोड़ेगा, जान से मार देगा, वरना हमारा पैसा वापस करो। अरे इस सुहाग से तो सुहाग पूरा अच्छा होता है, जो किसी का काम तो आता है। मारो इस कुप्पी के मुंह। उस्ताद उस्ताद रुको यार उस्ताद, मैं तो कहता हूँ इस खान पठान दिलदार को सारे पैसे वापस करो और चुप करके अल्लाह का नाम लेके वापस अपने महल्ले में चलते हैं। यकीन करो जब से डिफेंस में आए, बड़े घर में आए, रोज नई चरनाद हो रही है यहाँ पे। ठीक कह रही है, पिजामा नाइट के अब वापस चलो, खुदा के वास्ते सब कुछ वापस कर दो अल्लाह के वास्ते। ठीक है बात सुनो बात सुनो, पीएसडी देखो कि सच है कि तुम्हारा प्राइस बोर्ड निकला, हमें तो नहीं पता था, मैंने तो इसी से खरीदा था। अब जो पैसे खर्च हो गए वो खर्च हो गए, जो रह गए वो सारे तुम्हारे, ये पकड़ो। मड़ा 3 करोड़ में से कितना खर्च हुआ? अब आपको बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, बस ऐसे 20-25 लाख खर्च हुआ होंगे। हमको मंजूर है। अरे बात सुनो भाई, सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, अब अपने यहाँ नहीं रहना, अब अपने इलाके अपने घर में जाएंगे वापस। अबे सिराज, वरना तू यहाँ इसकी मार खाता हुआ सड़ रहा होता। ये सब मैं अपने छोटे दामाद के लिए कर रहा हूँ। छोटे दामाद? दामाद? हाँ, ये मेरा छोटा दामाद। एक से बढ़कर एक। आई शर्मा रहा है मेरा बच्चा। कितना बुरा लग रहा है शर्मा तो। अल्लाह इसके एक्शन तो देखो, तौबा तौबा। अरे नायक भी बहुत अच्छा है, पर बहुत बड़ी बात है। जान से मार। उससे दूर हो जाएगी। जा मैं। अब्बा मेरे जेवर, अरे मेरी कमर। ये लो मुश्ताक भाई। अबे ओ, तेज आ चला, काम बहुत है, जल्दी कर। उस्ताद आज डिफेंस की बहुत याद आ रही है कसम से। अबे बत कर, डिफेंस का बच्चा, मजदूर का बच्चा है, काम कर सीधा सीधा। अबे पजामा, जरा देख किसी का कागज गिर गया, देख किसका होगा उसको दे दो जी। अबे उस्ताद मुबारक हो। क्या हुआ? उस्ताद 7,500 का गोल्ड बॉन्ड मिल गया। अबे बैग इसका। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते। अगर तुम्हें पता ना होता तो कहता ये नज़्म मैंने लिखी है। और किसके लिए लिखी होती?